ऐसा रोज रोज क्यों करती हो तुलसी को? अरे तुलसी तो विष्णु का पौधा है, उसकी पूजा करने से तो पुण्य मिलता है। मगर ये तो पूर्ण सत्य नहीं है नंदा बेटी। अरे गुरुजी बैठिए बैठिए, चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा कभी कभार। अभी सिर्फ नंदा बेटी की आशंका दूर करता हूँ। अच्छा हुआ गुरुजी, मैं तो इसके सवाल जवाब से तंग आ चुकी हूँ। आपने ऐसा क्यों कहा गुरुजी? अरे ऐसा समझ तो गांव के अनपढ़ और गवार स्त्रियों का है, मगर तू तो पढ़ी लिखी है ना, तो बताओ वनस्पतियाँ कौन सा वायु हवा में छोड़ती है और कौन सा वायु लेती है? प्राणवायु हवा में छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है, बराबर? हाँ बिल्कुल 100% बराबर। अब ये बताओ सबसे ज्यादा प्राणवायु छोड़ने वाली वनस्पति कौन सी? अरे तुलसी, तुलसी तो सबसे ज्यादा प्राणवायु छोड़ने वाली वनस्पति है। इसी वजह से अपने पुरखों ने घरों के सामने तुलसी वृंदावन की प्रथा शुरू की, जिस कारण हवा में से दूषित वायु दूर करके वातावरण निरोगी होगा। मगर उन्हें यह संदेह था कि लोग ये प्रथा अपनाएंगे या नहीं, इसलिए उन्होंने इसका संबंध भगवान से जोड़ दिया, जिस कारण तुलसी की भी रक्षा होगी और वातावरण दूषित नहीं होगा। और उसी समय से ये प्रथा शुरू हुई। ऐसा है, यानी अम्मा की सारी पूजा व्यर्थ हुई? अरे व्यर्थ कैसी, अम्मी की श्रद्धा की वजह से तो ये पौधा बढ़ रहा है ना। याद रख नंदा, श्रद्धा विश्वास आस्था ये अपनी मानसिक स्थिति है, जिसका नाता अपने संस्कृति से है। इसी द्वारा हम कुछ प्रथा अपनाएंगे या ठुकराएंगे ये तय करते हैं, मगर आंख बंद करके नहीं, सिर्फ समझदारी से अपनाए। और ये समझदारी हमें शिक्षा की वजह से प्राप्त होती है, तो तू खूब पढ़ेगी ना। अच्छा चलता हूँ। ए अम्मा कहाँ खो गई हो? दिन कैसे पंछियों की तरह उड़ जाते हैं ना, कहाँ नाना सवाल करके हंगामा करने वाली तू, और आज कॉलेज में जाने वाली तू, विश्वास ही नहीं होता। मगर तुम्हें विश्वास रखना होगा, क्योंकि वही सत्य है, और मुझे मेरी भी तैयारी करनी है। तेरी कौन सी इतनी तैयारी चल रही है? इस साल बच्चों के लिए रंगोली स्पर्धा रखी है, गणपति लाके पूजा आरती होने तक सब तैयार चाहिए। यानी लड़के रंगोली बनाएंगे क्या? और क्या, ये स्पर्धा दोनों के लिए है। तेरा सब कुछ उल्टा ही होता है। अरे रंगोली बनाना लड़कियों का काम है, लड़के क्या रंगोली बनाएंगे? तू आना देखने के लिए तभी समझेगी। अरे लड़कियों से लड़के ज्यादा अच्छी रंगोली बनाते हैं। और उल्टा पुल्टा बोलेगी तो मैं बेटी किसकी हूँ, तेरी ही ना। तुम पढ़ी लिखी लड़कियाँ क्या बोलोगी, कुछ नहीं भरोसा। सिखाने वाली तुम्हारी जैसी माँ हो तो। मैंने क्या सिखाया तुझे, वो अंग्रेजी आता है मुझे? वो 12वीं क्या 13वीं रह गई दूर, 7वीं की परीक्षा हुई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई घर में। वैसा नहीं, मगर मेरे स्कूल में जाने से पहले ही पिताजी गुजर गए, मगर तूने मुझे घर में नहीं बिठाया। जगन चाचा ने कितना हट किया उनके पास रहने के लिए, मगर तूने नहीं सुना। अपनी खेती बाड़ी खुद संभाली, मेरी पढ़ाई चालू रहेगी इसकी जिम्मेदारी ली। बस बस पट्टी पढ़ाना बंद करो। ये सब उल्टा पुल्टा नहीं था, सब गांव वाले चर्चा करते थे, मगर तू नहीं डरी। जब जब जैसे सुझा वैसे ही किया। मगर जो भी किया वो बहुत अच्छा किया। अब क्या उसका? अरे पिछली पीढ़ी को उल्टा लगा तो तूने किया, अब तुम्हारी पीढ़ी को उल्टा लगता है वो मैं करती हूँ। क्योरी तेरे वो रंगोली स्पर्धा के परीक्षक कौन है? एक परीक्षक तो वो तेरा भोला शंकर होगा ही। चल, अरे बापरे आज दत्ता दाने वाला था, आया कि नहीं वो? जाते जाते देख की जाना तू। नहीं नहीं, पहले सब रंगोली की तैयारी करनी है, और दत्ता दा की खातिरदारी करने के लिए है ना वो तुम्हारा भोला शंकर। मेरा मेरा की? चल। तू यहाँ सो रहा है, और दत्ता दा आने वाला था उसका क्या हुआ? उसको आने में अभी भी वक्त लगेगा। और वह रंगोली स्पर्धा की तैयारी करनी है वो?
बाकी सब लोग नहीं है क्या वहाँ? ऐसा क्यों उल्टा बोल रहा है? तबीयत ठीक है ना तेरी? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? तो फिर ऐसा क्या हुआ है? चेहरा भी उदास हो गया है तेरा। खुद की हार जब खुद को कबूल नहीं होती है ना नंदा, तब आंखों के आंसुओं को बाहर निकलने का रास्ता मिलता ही नहीं, पलकों के अंदर ही उनको सुखाना पड़ता है। शंकर, अचानक इतना निराश क्यों हो गया तू? अचानक? मैं अचानक निराश नहीं हुआ हूं नंदा, ये रोग बहुत पुराना है, तू भूल गई होगी, मगर मैं वो बचपन का सपना अभी तक भूला नहीं हूं। सपने में जो देखा वो सब जैसे का वैसा मेरे आंखों के सामने हर पल नाचता रहता है, हमेशा। भगवान गुस्सा हो गएगा ऊपर। देवा गणराया, हमसे कुछ भूल हुई है तो माफ कीजिए। अरे मगर ऐसे अचानक मूर्ति जाएगी कहाँ? गणेश भगवान गुस्से में चले गए। चलो चलो, हम उन्हें ढूंढेंगे। चलो चलो। हाँ। नाराज है? हाँ, नाराज। हमसे क्या भूल हुई ये तो बताइए। क्या भूल हुई? खुद के मन से पूछो। आप ही बोलो भगवान, मुझ जैसे बालक को क्या समझेगा? तुम मेरी पूजा क्यों करते हो? मैं किसकी देवता हूँ? भगवान, आप विद्या की देवता हो। बिल्कुल सही। फिर आधा गांव जब निरक्षर हो, करीब करीब सबकी सब माँ बहने अनपढ़ है, ऐसे गांव में आके मैं क्या करूं? भगवान, आपकी बात सही है, मगर आज गणेश चतुर्थी का दिन, आज हम तुम्हें बाजे गाजे के साथ लेने आए हैं, ये दिन तो मना नहीं चाहिए ना? इससे मैं तंग आ चुका हूँ। विद्या को अपमानित करके मेरा कलेजा तुम लोग छलनी कर रहे हो और मुझे सर पे लेके नाच रहे हो, ऐसी पूजा मुझे मंजूर नहीं है। वो सब ठीक है, पर वो सबको समझना चाहिए। तू समझा दे। लोग मुझ बालक की सुनेंगे क्या? सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते ये हमारे देश का नारा है, तुझे मालूम है ना? तूने सच बताया तो लोग जरूर समझेंगे। क्या समझा दूं? पूरा गांव साक्षर कर दो और फिर मुझे बाजे गाजे के साथ लाओ। मगर भगवान, आज का दिन महान है, आज गणेश चतुर्थी है। अरे पगले, जिस दिन सब गांव साक्षर होगा, जिस दिन एक दिल से सब गांव वाले विद्या का सम्मान करेंगे, वही गणेश चतुर्थी होगी। आसमान के ग्रह तारे उस दिन चतुर्थी करेंगे कि नहीं, वो तुम खुद देखना। उस दिन मैं खुद चल के तुम्हारे गांव आऊंगा। और भगवान, तब तक कहाँ रहोगे? मैं इसी जगह इंतजार करूंगा। यहाँ भगवान धूप हवा बारिश में? नहीं नहीं। अरे भगवान और भक्तों का नाता ही वैसा है, भक्त ही भगवान का भगवान होता है, वैसे ही भक्त भगवान का ही भगवान है। हमें हमारा भगवान प्रसन्न हो इसलिए हम भी तपस्या करेंगे, तो क्या हुआ? तो फिर मेरी तपस्या जल्दी ही पूरी हो ऐसा तुम चाहते हो?
तो अपना काम शुरू कर दो और जल्दी ही सब गाँव वालों को साक्षर बना। गणेश भगवान, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। अरे चलो चलो उठो उठो, कितनी देर तक सोता है? माँ, मैंने सपना देखा। क्या सपना, कैसा सपना? चल मुंह धो ले। माँ सच, मेरे सपने में भगवान आए थे। बड़ा संत तुकाराम बन गए ना तू, जो तेरे सपने में भगवान आया। पहले मुझे बता कि सुबह देखे हुए सपने सच होते हैं क्या? हाँ शायद। तो फिर? शायद नहीं, सही सही बताओ। हाँ होते हैं। क्यों रे? क्यों रे, क्यों रोता है? माँ बहुत बुरा हुआ, अभी अपने गांव में गणेश जी कभी भी नहीं आएंगे। क्यों रे? माँ सच बताओ, अपना गांव अगर साक्षर नहीं हुआ ना तो गणेश जी कभी नहीं आएंगे अपने गांव में। पगला कहीं का, क्या सपना सपना कर रहा है? जा तेरे भाई के पास। सच माँ, अपना गांव साक्षर नहीं हुआ ना तो गणेश जी कभी भी नहीं आएंगे अपने गांव में। कितनी बड़ी कलसी लाई है नंदा मौसी, अरे वाह। दत्ता दा, मेरी कलसी छोटी है इसीलिए चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। हा? वो क्यों? इस साल बारिश कम हुई है ना, इसीलिए पानी का इस्तेमाल संभाल के करना चाहिए। ऐसा है क्या? मतलब तुझे पूरे गांव की चिंता है? चिंता माने, मेरी दादी मुझे शंकर भगवान की कहानी सुनाती थी। सबने सिपी सिपी दूध शिवलिंग पर चढ़ाया तो शंकर जी का मंदिर पूरा दूध से भर जाता है। वैसा ही है ना ये सब, सबने पानी का इस्तेमाल संभाल के किया तो बावड़ी का पानी ज्यादा दिन चलेगा। हाँ मेरी दादी माँ, चलो अभी। अब क्या हुआ, बहुत नखरे दिखा रहा था? तुझे लगा अकल से सब कुछ समझता है और ताकत से सब कुछ होता है। उठाओ अकल से, अकल से भरी हुई है। उठाती हूँ उठाती हूँ, चलो। क्या रे, मैं यहाँ आया तो अच्छा भला सो रहा था, फिर अभी अचानक रोते रोते क्यों आया? भैया मुझे ये बताओ कि अपने गांव में सबसे होशियार आदमी कौन है? क्यों रे? पहले मुझे बता ना। अरे अपना दत्ता दा, इतना भी नहीं समझता क्या तू? तो मुझे बताओ, सुबह के सारे सपने सच होते हैं क्या? सुना तो है मैंने, मगर क्या रे तूने क्या सपना देखा? यानी तुम भी कुछ नहीं जानते? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। तो हम आबा गुरु जी को पूछते, वो ही बताएंगे इस सपने का अर्थ। मगर क्या सपना देखा? वो मैं आबा गुरु जी को ही बताऊंगा। चलो तो फिर कल से घर पर रखते। हाँ। बच्चों, मन में होता है वो सपने में दिखाई देता है, इसलिए शंकर ने देखा हुआ सपना बहुत अच्छा है। यानी वो दृष्टांत कहते हैं वही क्या? हाँ दृष्टांत कह सकते हैं। मैं क्या कह रहा था? अच्छा सपना देखा। हाँ अच्छा सपना देखा। अच्छा यानी कैसा गुरुजी? अच्छा सपना यानी गणेश जी के पूजन का सच्चा मतलब बड़े बड़े लोग भूल गए, मगर इस नन्हे से बालक ने वो जाना। सब गांव वालों ने देखना चाहिए ऐसा सपना शंकर ने देखा, तो हम उसे अच्छा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो सब ठीक है, मगर कल के गणेश चतुर्थी का क्या करें? गणेश जी अपने गांव पर सचमुच में गुस्सा हो गए तो? अगर गणेश जी गुस्सा हुए होंगे तो वो गुस्सा गांव वालों को ही दूर करना चाहिए ना। तुम लोग उसकी चिंता मत करो, हम धूमधाम से जुलूस निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। भाइयों, मैंने जानबूझकर तुम्हें रुकवाया है। अभी हमने गांव में गणेश जी की स्थापना की है, बड़ी भक्ति और प्रेम से हमने मूर्ति लाई, उसकी पूजा की, मगर अपने इस नन्हे शंकर ने जो सपना देखा वो मुझे महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने सरपंच जी को जानबूझकर रुकवाया है। समझ गए, मगर वो सपने का माजरा क्या है? अपने छोटे शंकर के, रखमा के छोटे लड़के के सपने में साक्षात गणेश जी आए,
अपने निरक्षर गांव पर नाराज थे। अरे यानी इस लड़के को गणेश जी का दृष्टांत मिला है क्या? अरे कैसा दृष्टांत लेके बैठे हो, उस लड़के ने कोई तपस्या की है क्या? वैसा नहीं, दृष्टांत मत कहिए, पर उसने जो देखा वो शंकर के मन में उठा हुआ तूफान ही तो है ना। अब ये तूफान वगैरह कहाँ से लाए गुरुजी, कुछ समझ सके ऐसा बोलिए। तो देखिए गणेश जी ये विद्या के देवता, सार्वजनिक गणेशोत्सव यानी गांव वालों ने एक साथ की हुई विद्या की उपासना पूजा, पर पूजा यानी सिर्फ गंध फूल आरती और जय जयकार इतना ही क्या? बात तो पते की है। गणेश जी ये तो प्रतीकात्मक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गणेश जी की पूजा करना यानी विद्या की उपासना करना, मगर हर साल विद्या की उपासना करके भी आधा गांव निरक्षर रहता है, ये उसे कैसा अच्छा लगेगा? गणेश जी कैसे प्रसन्न होंगे, विद्या की देवता कैसे प्रसन्न होगी? गुरुजी अगर आप बार बार शिक्षा का ही नारा लगाएंगे तो मैं भी साफ कहूंगा, दो चार पैसे मिलेंगे ऐसी शिक्षा दे दीजिए, नहीं तो काम करके थके आए हुए लोगों को जबरदस्ती से पढ़ाई लिखाई करवाएंगे तो चलेगा नहीं। सरकार ने संपूर्ण साक्षरता मुहिम की शुरुआत तो की है, मगर लोगों का कहना है कि इस उम्र में हमें किस लिए पढ़ना है, हमारा क्या बिगड़ता है शिक्षा के बिना। वही तो कहता हूँ मैं, मेरी बहन का लड़का खेती पदवीधर है, अभी मुझे बताओ स्कूल जाके किसी ने खेती की है क्या? हमारे बाप बूढ़े ने खेती नहीं की थी, हम क्या खेती पर जिंदा नहीं रहे? यही हमारी गलती है, बदलते समय के साथ हम बदलते नहीं, इसलिए हमारी उन्नति नहीं होती, हम पुरानी रीति रिवाज नहीं छोड़ते, खेती में नई कार्य पद्धति लाए बिना हमारी उन्नति नहीं होगी। अभी हमारा उत्तम कितना पढ़ा है आप ही बताइए, कितना पढ़ा है गुरुजी? बीकॉम हुआ है। हुआ है ना, मगर नौकरी नहीं। अरे पहले पढ़े लिखो को नौकरी दे दो, फिर बाकी के बारे में सोचो। आप सब तकरारवाड़ी के गांव वाले, तकरार किए बिना कैसे रहेंगे? हाँ अरे कुछ नया शुरू करने से पहले आपकी तकरार शुरू। अभी हम यही रुकेंगे, मुझे पहले ही समझना चाहिए था आपके सामने सर पटक कर कोई फायदा नहीं है। गुरुजी के बिना मेरे सपने का मतलब कोई भी जानने के लिए तैयार नहीं है। यह गणेशोत्सव आता है तो खुद को बहुत अपराधी महसूस करता हूं। अरे भगवान से किया हुआ वादा इतने दिनों तक मैं पूरा कर नहीं सका, क्या फायदा ऐसे पढ़ाई का? अरे मगर तू चुपचाप थोड़ी बैठा है, कोशिशें तो कर रहा है तू। मेरी कोशिशों से कुछ भी नहीं होता, लोगों की नियत बदलनी चाहिए। सिर्फ भगवान की पूजा करने से उनकी भक्ति नहीं होती, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और जब तक ये लोगों की समझ में नहीं आता तब तक हमारी सारी कोशिशें नाकाम होने वाली है। मुझे लगता है तू खामखा नाराज हो रहा है। अरे पूरे गांव में तुझे मानने वाले बहुत लोग हैं, और मेरी अम्मा भी तो तुझे मानती है, वो क्या वैसे ही? यही तो गलत है, हम छोटी छोटी बातों से हम खुश हो जाते हैं। देखो अब हम अपना ही स्वार्थ नहीं देख सकते, हमें समाज का भी हित देखना चाहिए, जो समाज को भी साथ ले चलता है वही सच्चा इंसान, सच्चा साक्षर। खुद का विकास यानी विकास नहीं वो समाज का होना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा है अपनी शिक्षा का। अच्छा तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है ये सब कैसे होगा? मेरे मन में एक कल्पना है, आने वाले 5 सालों में अपना गांव 100% साक्षर करेंगे, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटेंगे, पर इसमें तुम्हारा साथ चाहिए, वो तुम दोगी या नहीं ये बताओ। अरे ये क्या पूछने वाली बात है, तू और मैं क्या अलग अलग है? नहीं वैसा नहीं, मगर जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाए बिना नहीं रह सकते, वैसे भी इस काम की लगन होनी चाहिए तभी कुछ हो सकता है, इसलिए पूछता हूँ, है तुम्हारी तैयारी? स्टैम्प पेपर पे लिख के दू? नहीं नहीं तुमने कह दिया इतना ही बस, तुम्हारे कहने पर मेरा विश्वास है। तो फिर इसे पत्थर की लकीर समझो। देखो सोच के बोल रही हो ना, चाहिए तो और 2 दिन सोच के बताना, मुश्किल काम है। मेरा इरादा पक्का है। देखो सोच समझ के बोल रही हो ना? हाँ पूरी तरह से सोच लिया है। थैंक्स आनंदा, तुम्हारा साथ मुझे ऐसे ही मिलता रहे तो ये पहाड़ मैं अपनी उंगली पे उठा के दिखाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा मत करो, अरे तुम्हारी उंगली टूट गई तो फिर।
माँ देखो तो कैसे रंगीन दिए की माला तैयार की है। दिए जलाने के बाद ही समझोगी। और क्या करना बाकी है शंकरा? अरे माँ सिर्फ दिए पर रंगीन कागज लगाए हैं। दिए जलने के बाद कागज नहीं दिखेंगे, सिर्फ रंग ही दिखेंगे। इसीलिए कहा लाइट लगने के बाद ही सब समझ में आएगा। अब बस भी करो, अरे दत्तू एसटी से आता ही होगा। माँ तू तो बस पगली हो गई हो। ये देख अभी और एक घंटा बाकी है एसटी को आने में, तुझे क्यों इतनी जल्दी? हाँ बेटे से मिलने की जल्दी हो गई होगी और क्या। तू सही है रे शंकरा, पर जाना जल्दी जल्दी। जाता हूँ, मुंबई में मिल मजदूरी करने वाला तेरा लाडला बेटा आने वाला है, उसका आगत स्वागत सब कुछ कैसा धूमधाम से करना चाहिए ना। वो चाहता और तू क्या अनचाह है रे, पर वो तो दूर रहता है ना। माँ की ममता तुम कैसे समझोगे, अकेला ही मुंबई जैसे शहर में रहता है, कैसा रहता होगा, क्या खाता होगा, हम जैसा अच्छा खाना उसे मिलता होगा क्या? एक बार उसे देखा तो ही पता चलेगा रे, तबीयत से हट्टा कट्टा है या हवा से उड़ रहा है। एकदम कद्दू की तरह सूख गया होगा। कद्दू की तरह तू भी तो नहीं है, तेरा खुद पर ध्यान किधर है? अच्छा माँ अब जा कहती हो तो। और कितना वक्त लगाएगा? बाकी एक बात तो है, ये दत्ता दाता है ना तो हर एक को कुछ ना कुछ लेके ही आता है। अब मुंबई का बाजार कितना बड़ा, उसे तो ऐसा लगता होगा कि क्या लूं और क्या ना लूं। मुझ पगली को तो कुछ भी नहीं लाया तो भी चलेगा, वो सुखी रहे इतना ही काफी है। सुख में उसको क्या तकलीफ है, और वहां मुंबई में सुख की क्या कमी है? मिल के दोस्त है, सिनेमा है, नाटक है, और क्या बाकी रह गया? अब आ गए तो देख कैसे बड़ा चढ़ा के कहानियां सुनाएगा, तब सुनती रहोगी मुंह में पल्लू ठोस कर बड़े प्यार से। अब जाता है कि दे दू एक फटका ऐसा ही ना। जाता हूं। अरे शंकर आया दादा, दे देना देना दे दे। हाँ चलो बैठो बैठो अंदर बैठो। अबे आदत नहीं रही है बाबा। संभाल के दादा संभाल के चलो। एकदम वापरा है तू तो फिर क्या, गाड़ी का राइट टाइम मालूम है ना। हाँ अच्छा हाँ अच्छा कैसे है तू दादा? बहुत बढ़िया। तुझे याद है वो सपना? अरे उस वक्त तेरी वो हालत देखकर हम बहुत डर गए थे, मैं तो सब कुछ भूल गया था, पर तुझे कैसे याद रहा वो सब? तूने उसे मजाक समझा था दादा, मगर मैंने इस बात को मजाक नहीं समझा। अरे फिर तू क्या रोते रहा है रे? मजाक नहीं कर रहा हूँ दादा, मैं सपना देखा तभी से इसके बारे में सोच रहा हूँ, अपना गांव साक्षर कैसे होगा। हाँ मगर दादा हाँ। तू हमें मदद करेगा है ना? मैं हाँ करूंगा ना हाँ। अरे मगर क्या सोचा है वो तो बता पहले। वो क्या है दादा हाँ। मैंने एक नाटक लिखा है। नाटक हाँ। और तू हाँ। अरे वाह 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 काम करेगा हाँ दादा हाँ। मैं करूंगा काम हाँ। क्या ठीक है तो फिर ऑपरेशन साक्षरता।